तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेताओं में से एक अजय देवगन की अपकमिंग मूवी के बारे में। हालांकि अजय देवगन की पिछली रिलीज फिल्म रनवे 34, जिसको डायरेक्ट और प्रोड्यूस खुद अजय देवगन ही किए थे, जो कि बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल ही फ्लॉप साबित हुई थी, लेकिन इसके बाद भी अजय देवगन कई बड़ी फिल्में लेकर आने वाले हैं जो कि बॉक्स ऑफिस पर पक्का ही धमाल मचा देगी। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी फिल्में हैं और किस दिन रिलीज होगी। अजय देवगन की सबसे पहली फिल्म होने वाली है थैंक गॉड। थैंक गॉड एक कॉमेडी इमोशन ड्रामा फिल्म होगी जिसके लीड रोल में दिखाई देंगे अजय देवगन, रकुलप्रीत सिंह एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा। वहीं इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे इंद्र कुमार, जिसे प्रोड्यूस कर रही है टी सीरीज। अगर बात करें इस मूवी के रिलीज डेट की, तो यह फिल्म रिलीज किया जाएगा इसी साल अक्टूबर 2022 में। अजय देवगन की दूसरी फिल्म होने वाली है दृश्यम 2। यह 2015 में रिलीज हुई क्राइम थ्रिलर फिल्म दृश्यम का सेकेंड पार्ट होगा, जिसके लीड रोल में दिखाई देंगे अजय देवगन, तब्बू, श्रेया सरन एंड इशिता दत्ता। वहीं इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं अभिषेक पाठक और यह फिल्म रिलीज किया जाएगा इसी साल 18 नवंबर 2022 में ही। अजय देवगन की तीसरी फिल्म होने वाली है सिंघम 3। आपको बता दें, यह अजय देवगन की सबसे हिट फ्रेंचाइजी में से एक है, जिसका पहला पार्ट आया था 2011 में और दूसरा आया 2014 में, जिसके बाद अब इसके तीसरे पार्ट का भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है, जिसमें फिर से लीड रोल निभाते हुए नजर आएंगे अजय देवगन। वहीं इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे रोहित शेट्टी, जो कि इसके पहले वाले दोनों पार्ट का भी डायरेक्शन किए थे, और इस फिल्म को प्रोड्यूस भी रोहित शेट्टी ही करेंगे, जिसका रिलीज डेट कन्फर्म कर दिया गया है अगले साल 15 अगस्त 2023 में। अजय देवगन की चौथी फिल्म होने वाली है भोला। यह 2019 में आई तमिल फिल्म कैथी का हिंदी रिमेक होगा, जिसके लीड रोल में दिखाई देंगे अजय देवगन और एक्ट्रेस तब्बू, जिसे डायरेक्ट खुद अजय देवगन ही करेंगे। वहीं इसको प्रोड्यूस करेंगी रिलायंस एंटरटेनमेंट। अगर बात करें इस मूवी के रिलीज डेट की, तो यह फिल्म रिलीज किया जाएगा अगले साल 30 मार्च 2023 में। अजय देवगन की पांचवी फिल्म होने वाली है राजनीति 2। यह 2010 में आई सुपरहिट फिल्म राजनीति का सिक्वल होगा, जिसमें लगभग दर्जनों भर से भी ज्यादा स्टार्स दिखाई दिए थे लीड रोल में। वहीं इसके सिक्वल यानी राजनीति 2 में दिखाई देंगे अजय देवगन एंड कैटरीना कैफ, जिसमें और भी बहुत सारे छोटे बड़े कलाकार दिखाई देंगे, और इस फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस करेंगे प्रकाश झा, जिसके रिलीज डेट का अनाउंसमेंट अभी नहीं किया गया है। अजय देवगन की छठी फिल्म होने वाली है चाणक्या। चाणक्या एक पीरियड ड्रामा फिल्म होगी, जो कि महान बुद्धिमान चाणक्या के जीवन पर आधारित होगी, जिसमें चाणक्या का रोल निभाते हुए नजर आएंगे अजय देवगन, और इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे नीरज पांडे, जो कि वेडनेसडे, एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी जैसी फिल्मों का डायरेक्शन कर चुके हैं। वहीं अगर बात करें इस मूवी के रिलीज डेट की, तो यह फिल्म रिलीज किया जाएगा इसी साल 29 अगस्त 2022 में ही। अजय देवगन की सातवीं फिल्म होने वाली है रेड 2। यह 2018 में आई क्राइम थ्रिलर फिल्म रेड का सिक्वल होगा, जिसमें फिर से अजय देवगन एक जनरल ऑफिसर का रोल निभाते हुए नजर आएंगे, और इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं राजकुमार गुप्ता। वहीं इसको प्रोड्यूस करेंगे कुमार मंगत पाठक, और यह फिल्म भी 2022 में ही रिलीज किया जाएगा। अजय देवगन की आठवीं फिल्म होने वाली है सत्संग। सत्संग एक सोशल ड्रामा फिल्म होगी, जिसको डायरेक्ट और प्रोड्यूस करेंगे प्रकाश झा। वहीं इस फिल्म के लीड रोल में दिखाई देंगे अजय देवगन और कैटरीना कैफ। अगर बात करें इस मूवी के रिलीज डेट की, तो यह फिल्म 2023 में ही देखने को मिलेगी। अजय देवगन की नौवीं फिल्म होने वाली है सनफ सरदार 2। यह 2012 में आई कॉमेडी ड्रामा मूवी सनफ सरदार का सिक्वल होगा, जिसके पिछले पार्ट में अजय देवगन, संजय दत्त, जूही चावला एंड सोनाक्षी सिन्हा समेत कई सारे छोटे बड़े स्टार्स एंड कलाकार दिखाई दिए थे अहम किरदार में। वहीं इसके सेकेंड पार्ट यानी सनफ सरदार 2 में अजय देवगन के साथ लीड रोल में कौन कौन से एक्टर नजर आएंगे, इसका खुलासा होना अभी बाकी है, और इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे अश्विनी धीर, जिसे प्रोड्यूस खुद अजय देवगन ही करेंगे। अजय देवगन की दसवीं फिल्म होने वाली है डायरेक्टर लव रंजन के साथ, जिसमें अजय देवगन के साथ लीड रोल में दिखाई देंगे रणबीर कपूर, जिस पर अभी ज्यादा कुछ अनाउंस नहीं किया गया है। अजय देवगन की ग्यारहवीं फिल्म होने वाली है गोबर। गोबर सच्ची घटना पर आधारित एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म होगी, जिसमें 90 के दशक की कहानी को दिखाया जाएगा, जिसका डायरेक्शन करेंगे सवल शेखावत। वहीं इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे सिद्धार्थ रॉय कपूर, जो कि रिलीज किया जाएगा 2022 के आखिरी महीनों तक या फिर 2023 में ही। अजय देवगन की 12वीं फिल्म होने वाली है गोलमाल 5। गोलमाल भी अजय देवगन की सबसे हिट फ्रेंचाइजी में से एक है, और यही कारण है कि इसका अभी तक 4 पार्ट आ चुके हैं, जिसके बाद अब इसके पांचवें पार्ट का अनाउंसमेंट भी कर दिया गया है, जिसमें फिर से लीड रोल में दिखाई देंगे अजय देवगन, अरशद वारसी, सुरेश तलपरे एंड तुषार कपूर। वहीं इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे रोहित शेट्टी, जो कि रिलीज किया जाएगा 19 दिसंबर 2023 में। इसी के साथ अजय देवगन की 13वीं फिल्म होने वाली है प्रोड्यूसर दिलराजू के साथ, जो कि नंदी नामक एक मूवी का रीमेक बनाने की तैयारी में लगे हैं, लेकिन इस पर भी अभी ज्यादा कुछ अनाउंस नहीं किया गया है।
अजय देवगन की 14वीं फिल्म होने वाली है बैजू बावरा। यह एक सच्ची घटना से प्रेरित फिल्म होगी जिसके लीड रोल में दिखाई देंगे अजय देवगन, रणवीर सिंह एंड आलिया भट्ट, जिसमें अजय देवगन 15वीं शताब्दी के मशहूर सिंगर तानसेन का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। और इस मूवी का बजट काफी हाई होने वाला है जिसका डायरेक्शन करेंगे संजय लीला भंसाली, जो कि संजय लीला भंसाली की ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। अगर बात करें इस मूवी की रिलीज डेट की तो यह फिल्म 2024 में ही रिलीज किया जाएगा। अजय देवगन की 15वीं और लास्ट फिल्म होने वाली है दे दे प्यार दे 2। यह 2019 में आई फैमिली ड्रामा फिल्म दे दे प्यार दे का सीक्वल होगा, जिसके लीड रोल में दिखाई दिए थे अजय देवगन, तब्बू एंड रकुल प्रीत सिंह, जिसके सेकेंड पार्ट का अनाउंसमेंट हाल ही में रनवे 34 के प्रमोशन के दौरान किया गया है, जिसमें फिर से लीड रोल में नजर आएंगे अजय देवगन एंड रकुल प्रीत सिंह। तो फ्रेंड्स, ये थे अजय देवगन की आने वाली सभी बड़ी फिल्में। आप इन सभी फिल्मों में से किस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है नीचे कमेंट में जरूर से लिखिएगा, और साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको मूवी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलती रहेगी। और जल्दी मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नई मूवी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।